तो कैसे है दोस्तों, अभी हाल ही में 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई की कैपिटल अबू धाबी में तकरीबन 700 करोड़ रुपए के खर्च के साथ बनाए गए मिडल ईस्ट के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये मंदिर और कोई नहीं बल्कि हमारे भारत के ही सबसे बड़े संप्रदायों में से एक स्वामीनारायण संप्रदाय का है। स्वामीनारायण संप्रदाय जी हाँ, एक ऐसा संप्रदाय जिसके आज पूरी दुनिया भर के तकरीबन 25 से ज्यादा देशों में इस संप्रदाय की सभी संस्थाओं को मिलाकर अप्रोक्सीमेट 1500 से भी ज्यादा मंदिर है, जिसमें से 1100 मंदिर तो इस संप्रदाय की एक BAPS संस्था ने ही बनवाया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा इनके पूरी दुनिया भर में टोटल 55,000 से भी ज्यादा एक्टिव वॉलंटियर्स मीन्स कार्यकर्ता और सेवकों का एक समूह है, और न जाने लाखों करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स इस स्वामीनारायण संप्रदाय में बिलीव रखने वाले भक्त है। पर दोस्तों, इन सभी चीजों के बावजूद आज भी बहुत कम लोग है जो ये बात जानता है कि आखिरकार इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुके इस स्वामीनारायण संप्रदाय का एक्चुअल फाउंडेशन कहां से हुआ था और क्यों स्वामीनारायण द्वारा बनाए गए उनके इतने बड़े संप्रदाय को आज 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सो आइए, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस विजुअल में समझते हैं। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण संप्रदाय की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो स्वामीनारायण जी के बारे में एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। और इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अप्रैल 1781 में, जब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या के पास एक छोटे से गांव छपैया में रामनवमी के दिन एक घनश्याम पांडे नाम के बच्चे का जन्म होता है, जो कि एक ब्राह्मण या फिर पुरोहित जाति के हरिप्रसाद पांडे और उनकी पत्नी प्रेमवती पांडे के बेटे थे। हालांकि इसके अलावा घनश्याम पांडे के एक बड़े भाई राम प्रताप पांडे और एक छोटे भाई इच्छाराम पांडे भी थे, पर घनश्याम पांडे ने सिर्फ 11 साल की एज में 29 जून 1792 के दिन अपने घर का त्याग कर दिया और पूरे भारत भर की यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे। वैसे उनकी इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने अपना नाम नीलकंठ वर्णी अपनाया था। सो नीलकंठ वर्णी पूरे भारत भर में घूम के एक ऐसे आश्रम की तलाश कर रहे थे जहाँ पे उनके द्वारा पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों के सही उत्तर उनको मिल सके। और ये सारे सवाल कुछ ऐसे थे, सबसे पहले तो जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है और परब्रह्म क्या है। और दोस्तों, इन 5 सवालों के जवाब उनको अपनी 7 साल की लंबी यात्रा करने के बाद आखिरकार 1799 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक लॉज नाम के गांव में उनके इन सभी प्रश्नों के उत्तर उनको मिले थे, जहां पे लॉज में नीलकंठ वर्णी की मुलाकात रामानंद स्वामी के शिष्य मुक्तानंद स्वामी से हुई थी, जिन्होंने नीलकंठ वर्णी की संतुष्टि के लिए इन 5 सवालों के विस्तार पूर्वक उत्तर उनको बताए। और फिर इसी जगह पर 20 अक्टूबर साल 1800 में नीलकंठ वर्णी ने रामानंद स्वामी से सन्यास की दीक्षा प्राप्त की थी और उन्हें अब सहजानंद स्वामी का नाम दिया गया। अब इसके बाद अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले साल 1801 में रामानंद स्वामी ने अपने उद्धव संप्रदाय जो की भगवान श्री कृष्ण के ही वैष्णव समाज का एक हिस्सा था, उसके उत्तराधिकारी के रूप में सहजानंद स्वामी को नियुक्त किया। और दोस्तों, बाद में इसी संप्रदाय को सहजानंद स्वामी ने विकसित किया, जिसे आज हम सब लोग स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के निर्देश दिए थे, यहाँ तक कि वो श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानते थे। और आज भी आप किसी भी स्वामीनारायण मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक वैष्णव समाज का ही हिस्सा है। सो यहाँ पर उत्तराधिकारी बनने के बाद सहजानंद स्वामी को मूल रूप से स्वामीनारायण के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपने भक्तों को स्वामीनारायण नाम के मंत्र का जाप करने के निर्देश दिए, जो कि संस्कृत के ही 2 वर्ड स्वामी और नारायण यानी कि भगवान विष्णु के रूप में ही संयोजित होता है। यहाँ तक कि साल 1804 आते आते स्वामीनारायण के बारे में लोगों में ऐसी मान्यताएं स्थापित हो गई थी कि वो चमत्कार करता है, वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार है, जिनको लोगों ने भगवान स्वामीनारायण के अलावा घनश्याम महाराज, श्रीजी महाराज
महाराज, हरि कृष्ण महाराज और श्री हरि महाराज जैसे नाम दिए। तो भी इस कहानी में आगे स्वामीनारायण के नेतृत्व में अगले 30 वर्षों तक यह संप्रदाय तेजी से विकसित हुआ। कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक 1820 आते आते इस स्वामीनारायण संप्रदाय से तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। और दोस्तों, ये पूरा संप्रदाय पहले से ही गुजरात में विकसित हुआ था, जिसकी वजह से आज इसका ज्यादातर हिस्सा हमको गुजरात में ही देखने को मिलता है। हालांकि अंग्रेजों के टाइम पर समाज में ऊंच नीच और जाति भेदभाव तीव्र गति से चल रहा था, पर यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय ने सभी धर्मों के लोगों का स्वीकार किया। हालांकि इसकी वजह से सहजानंद स्वामी को उच्च जाति के लोगों का एक बहुत बड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था, बट इससे ग्रामीण और पिछड़ी हुई जाति के लोग स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर काफी आकर्षित हो गए थे। स्वामीनारायण को पूरे गुजरात में लोकप्रियता मिली और उन्होंने अपने नेतृत्व में तकरीबन 3,000 से ज्यादा स्वामियों को नियुक्त किया। फिर इन स्वामियों को दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। पूरे गुजरात भर में स्वामीनारायण द्वारा दी गई शिक्षाओं को इन स्वामियों ने फैलाया, जिससे समुदाय और बड़ा बनता चला गया। पर अब अपने इस जीवन के अंत समय में उन्होंने अपने समाज को और बड़ा बनाने और अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए गुजरात में टोटल 6 स्वामीनारायण मंदिरों की स्थापना की, जिसमें 1822 में अहमदाबाद, 1823 में कच्छ भुज, 1824 में वड़ताल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, फिर 1826 में धौलेरा, 1827 में जूनागढ़ और आखिर में साल 1828 में गढ़ड़ा बोटा डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर टोटल 6 मंदिरों की शुरुआत की थी। और इन सभी स्वामीनारायण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग मूर्तियों की स्थापना की गई, लेकिन मंदिर में खुद स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी की मूर्ति को इसी संप्रदाय की BAPS संस्था ने स्थापित करने की परंपरा को शुरू किया था। हालांकि इन सभी 6 मंदिरों में से स्वामीनारायण ने वड़ताल गादी और अहमदाबाद गादी को मुख्य रूप से अपने संप्रदाय के लिए नियुक्त किया था। और दोस्तों, यहाँ पर गादियों का मतलब होता है उस मंदिर के उत्तराधिकारी का पद, जिसे गुजराती में गादी के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय के 2 मुख्य मंदिर अहमदाबाद और वड़ताल के लिए स्वामीनारायण ने अपने बड़े भाई राम प्रताप के बेटे अयोध्या प्रताप जी को अहमदाबाद की गादी, जिसे नर नारायण देव की गादी भी कहा जाता है, उसके उत्तराधिकारी बनाए, और उनके छोटे भाई इच्छाराम जी के बेटे रघुवीर जी को वड़ताल गादी, जिसे लक्ष्मी नारायण देव की गादी के नाम से भी जाना जाता है, उसके उत्तराधिकारी बनाए। और आज भी इन मंदिरों के आचार्य स्वामीनारायण संप्रदाय के एक प्रमुख मुखियाओं के तौर पर अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। पर दोस्तों, जब 1 जून 1830 में स्वामीनारायण की मृत्यु हो गई, तो फिर इस संप्रदाय में भी धीरे धीरे करके कुछ शाखाएं इस वड़ताल और अहमदाबाद गादी से अलग होती गई, यानी कि संप्रदाय का विभाजन होता गया। और इनमें से ही दोस्तों, ये एक है BAPS, यानी कि बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, जिसकी शुरुआत साल 1905 में स्वामीनारायण संप्रदाय के ही एक शास्त्री जी महाराज ने की थी। दरअसल शास्त्री जी महाराज का ऐसा मानना था कि स्वामीनारायण के एक पसंदीदा शिष्य एक गुणातीतानंद स्वामी थे, जिन्होंने मेनली इस पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रचार किया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया था। और इसी के कारण BAPS संस्था में स्वामीनारायण को पुरुषोत्तम और गुणातीतानंद स्वामी को अक्षर माना जाता है। और इन्हीं के स्वरूप में आपको BAPS के हर एक मंदिर में अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्तियां साथ में देखने को मिलती है। हालांकि BAPS की ऑफिशियल वेबसाइट में इनके सभी फाउंडर्स और उत्तराधिकारी को दिखाया गया है, जिसमें आज के टाइम में महंत स्वामी महाराज इस BAPS संस्था के 6 उत्तराधिकारी है। हालांकि इस पूरे BAPS फाउंडेशन और उनके उत्तराधिकारियों की अपने आप में ही अलग अलग कहानियां है, तो इनकी पूरी इन डिटेल रिपोर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और फिलहाल के लिए हम लोग इनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज ये BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय की सबसे बड़ी संस्था कही जाती है, और इस बात का आईडिया आप इससे लगा सकते हो कि आज इकलौते इस BAPS संस्था के ही वर्ल्ड वाइड टोटल 1100 से भी ज्यादा मंदिर है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, UK, यूरोप, अफ्रीका, एशियन पैसिफिक और मिडल ईस्ट के छोटे बड़े देश शामिल है। और अभी जो ये अबू धाबी में नया स्वामीनारायण मंदिर बना है, वो भी इस BAPS संस्था ने ही बनवाया है। सो इन शॉर्ट, स्वामीनारायण के सभी मंदिरों से लेकर इनकी नेटवर्क तक, सब में BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय की सबसे बड़ी संस्था है। पर दोस्तों, सिर्फ BAPS ही इस संप्रदाय की इकलौती शाखा नहीं है, बल्कि इसके अलावा साल 1940 में एक स्वामीनारायण गादी, जो अहमदाबाद के मणिनगर में है, उसको एक मुक्ता जीवन दास स्वामी ने एस्टेब्लिश किया था। फिर इसके बाद साल 1960 में एक और इस संप्रदाय के हरिप्रसाद स्वामी ने अपने नेतृत्व में इस
SBAPS संस्था में कुछ महिला शिष्यों को शामिल करना चाहा, लेकिन ये स्वामीनारायण संप्रदाय के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ था और तब के BAPS के उत्तराधिकारी योगी जी महाराज ने भी इसका अस्वीकार किया था, जिसके चलते हरिप्रसाद स्वामी ने साल 1966 में BAPS से अलग होकर अपना एक सौक्ता संप्रदाय नाम की स्वामीनारायण संस्था शुरू की, जो कि आज हरिधाम या फिर हरि प्रबोधम भी कहा जाता है। और दोस्तों, अब इन सबके आखिर में एक और स्वामीनारायण मंदिर वासना संस्था यानी कि SMVS को साल 1987 में स्वामीनारायण संप्रदाय के ही एक देवानंद दास जी महाराज ने शुरू किया था और आज ये SMVS भी एक बहुत बड़ा संस्थान है इस पूरी कम्युनिटी में। हालांकि इन चारों स्वामीनारायण संप्रदाय की शाखाओं के अलावा वड़ताल गादी और अहमदाबाद गादी इस संप्रदाय की मेन संस्थाएं कही जाती है और यहाँ का उत्तराधिकार वंश परंपरा के हिसाब से चलता है। तो इन दोनों गादियों को मिलाकर आज के टाइम में दोस्तों स्वामीनारायण के पूरे संप्रदाय के 6 अलग अलग पार्टीशन है और ये सभी संस्थाएं अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने मंदिरों को चलाती है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है सहजानंद स्वामी उर्फ स्वामीनारायण, जिनके दिए गए सिद्धांतों पर ये सभी संस्थाएं चलती है। और स्वामीनारायण की इन संस्थाओं के अलावा सहजानंद स्वामी ने अपने धर्म के मूल सिद्धांतों को कायम रखने के लिए वचनामृत नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसका मतलब होता है शब्दों के रूप में एक अमर अमृत। और आज ये ग्रंथ स्वामीनारायण संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ भी माना जाता है, जहाँ पे स्वामीनारायण ने उनके जो वो 5 प्रश्न थे ना, उनके विस्तार पूर्वक उत्तर बताए हैं। फिर इसके अलावा सहजानंद स्वामी ने 212 संस्कृत छंदों की एक शिक्षा पत्री भी लिखी थी, जिसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के नैतिक आदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है और इस शिक्षा पत्री को हर रोज स्वामीनारायण के भक्त पढ़ते हैं, क्योंकि खुद स्वामीनारायण ने ऐसा कहा था कि शिक्षा पत्री केवल उनके शब्द नहीं है बल्कि उनका एक व्यक्तिगत स्वरूप है। सो इन दो बुक्स को स्वामीनारायण संप्रदाय की आधारशिला कही जाती है। हालांकि इन सबके अलावा भी इस संप्रदाय के फाउंडेशन में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्वामीनारायण धर्म का पालन करने वाले लोग कभी भी प्याज नहीं खाते हैं और इसके अलावा कई सारे समाज सेवा के कार्य भी इस पूरी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। हजारों संत इस संप्रदाय से आते हैं और इनके धर्म और स्वामीनारायण द्वारा दिए गए दिशा निर्देशकों को समझाने में शायद मेरा 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा। सो इसकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके आप लोग रीड कर सकते हो। तो ये पूरा स्वामीनारायण संप्रदाय आज हमारे देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी में गिना जाता है। शायद आज बहुत से लोग गुजरात के बाहर इस संप्रदाय के बारे में उतना परिचित नहीं होंगे, पर सहजानंद स्वामी के इस पूरे संप्रदाय ने हमारे देश में से ऊंच नीच और जातिवाद को खत्म करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और न जाने करोड़ों बेसहाय और भटके हुए लोगों को स्वामीनारायण ने एक सही मार्गदर्शन दिया था और आज भी पूरी दुनिया भर में करोड़ों लोग इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, स्वामीनारायण से जुड़े हुए हैं, अक्षर पुरुषोत्तम से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा सिखाई गई बातें और आदेशों का पूरी दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये थी भारत के एक अनसुने स्वामीनारायण संप्रदाय की पूरी कहानी। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, लेकिन तब तक के लिए मिलता है अगले विजुअल में। गुड बाय।